तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि हांटेंगू के गले पर वार कर रहा था। तांजीरो अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि इसका गला काफी ज्यादा छोटा है। तांजीरो उसकी गर्दन पर एम कर ही रहा था तभी हम हांटेंगू की जबान पर फायर देखते हैं और इसी के चलते अचानक से तांजीरो को अपने पीछे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। अब तांजीरो पता लगा लेता है कि वो बाकी के डीमंस की तरह स्मेल नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हो रहा था तांजीरो उसे देखते हुए काफी ज्यादा घबराने लगता है और तांजीरो के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसे हांटेंगू का गला फटाफट से काटना होगा। लेकिन इस सब के बावजूद तांजीरो अपनी तलवार को आगे नहीं खिसका पा रहा था और नेजुको की फायर का असर भी खत्म होने लगा था। गेन्या फटाफट से तांजीरो को पीछे हट जाने को कहने लगता है। तांजीरो बीच में ही खड़ा हुआ था इसीलिए उसे लगने लगता है कि गेन्या मेरी वजह से ही एम नहीं कर पा रहा और अचानक से ड्रम बजने के साथ ही तांजीरो पर एक काफी बड़ा सा हमला होता है जिस वजह से तांजीरो दूर जाकर गिरता है और वहां पर काफी सारे वुडन ड्रैगन्स आ चुके थे। वो सभी ड्रैगन सब तांजीरो पर अटैक करने लगते हैं और तांजीरो अपने आप को कैसे ना कैसे करके बचा रहा था। एक ड्रैगन अब तांजीरो को खाने ही वाला था लेकिन अचानक से बीच में नेजुको आ जाती है। नेजुको तांजीरो को तो बचा लेती है लेकिन ड्रैगन के वार से उसका हाथ और पैर कट जाता है। तांजीरो उससे पूछता कि क्या वो ठीक है और नेजुको हाँ कहकर जवाब देती है और अब नेजुको का हाथ और पैर वापस से रीजनरेट हो चुका था। इस सब के बाद वहां पर एक नया डीमन आ चुका था जो कि तांजीरो को धमकाते हुए कहने लगता है कि तुम कमजोरों को परेशान करते हो। वो डीमन अब तांजीरो को गालियां देने लगता है। वो बताता है कि तुम बहुत बेकार दुश्मन हो। तांजीरो यहाँ पर समझ चुका था कि यहाँ पर ये सिक्स्थ डीमन भी पहुंच चुका है लेकिन तांजीरो इस बात से घबराने लगता है कि बाकी के चार डीमन आखिर कहाँ पर चले गए वो उसे सेंस नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ अब गेन्या भी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। गेन्या बताने लगता है कि इस डीमन ने बाकी के डीमन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और ये चीज उस समय हुई होगी जब तांजीरो ने हांटेंगू पर अटैक किया था लेकिन हांटेंगू ने बाकी के दो डीमन्स को अपने हाथों के अंदर चूस लिया और जैसे ही गेन्या ने पलक झपकाई तो उसने तीसरे डीमन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ये हर चीज एकदम सेकंड्स में हो रही थी इसीलिए किसी और को पता नहीं चला और अब ये सारे के सारे डीमन से एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और उन सभी की मदद से एक और नए डीमन का जन्म हुआ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। गेन्या को ये जो नया डीमन बनकर निकला है ये काफी ज्यादा जवान लग रहा था क्योंकि इसका फॉर्म एकदम बच्चे जैसा था। वो डीमन अब हांटेंगू की बॉडी को अपने अंदर छुपाने लगता है और देखते ही देखते हांटेंगू वहां से गायब हो जाता है। तांजीरो उसे रुकने को कहता है लेकिन उसकी एक नजर की वजह से वो वहां पर अटक जाता है और इस बार तो तांजीरो को यहाँ पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। पहले तो तांजीरो को सिर्फ सांस ही नहीं आ रही थी लेकिन अब तो उसके दिल में भी दर्द होने लगा था। वो डीमन अब तांजीरो से कहने लगता है कि दुश्मनों क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर गेन्या काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि इस नए डीमन की प्रेजेंस काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास जाने के साथ इन लोगों को खौफ का एहसास हो रहा था और उस डीमन का नाम यहाँ पर जोहा कुतिन था। तांजीरो उससे पूछने लगता है कि आखिर हम तुम्हारे लिए बुरे लोग क्यों हैं और जोहा कुतिन उसे कहने लगता है कि तुम कमजोरों को परेशान करते हो और कुछ देर पहले तुमने एक छोटे आदमी को मारने की भी कोशिश करी। तुम आखिर इतने से आदमी को मारने के साथ ही अपने आप को काफी ज्यादा बहादुर समझ रहे थे ना, तो अब मुझसे लड़ो। अब तांजीरो कहने लगता है कि आखिर तुम मासूम कैसे कह रहे हो, तुम सभी के सभी डीमंस तो सिर्फ खून के पैसे होते हो। अब तांजीरो उसे सेंस करके बताने लगता है कि तुमने तो 900 से भी ज्यादा लोगों को मार रखा है, आखिर उन सभी मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि उन्हें मरना पड़ा, और कई सारे मासूम लोगों की जान लेने के साथ ही तुम अपने आप को मासूम कह रहे हो। तुम्हें अपने आप को मासूम साबित करने का कोई हक नहीं है, तुम जैसे डीमंस को माफ नहीं किया जा सकता और इस बार तो मैं ही तुम्हारा गला काटूंगा। यही स्पीच सुनते हुए यहाँ पर गेन्या तो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल जो था। वो डीमन कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो लेकिन तांजीरो तो उसे मारने के लिए हावी हो रहा था। वो डीमन तांजीरो से कहने लगता है कि आखिर जिन भी लोगों को मैंने मारा क्या वो तुम्हारे रिलेटिव्स थे, और तांजीरो यहाँ पर मना कर देता है और जोहा कुतिन उससे कहने लगता है कि फिर अपने काम से काम रखो। तांजीरो उसका जवाब देते हुए कहने लगता है कि ये मेरे बारे में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई और उस दर्द को फील ना करे। जोहा कुतिन कुछ देर की खामोशी के बाद कहने लगता है कि तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांजीरो उस डीमन से कहने लगता है कि तुम किसी भी इंसान की मदद करना कभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि तुम तो पूरी तरह से एक जानवर हो। उस डीमन को अब गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो पर अपने ड्रैगन की मदद से अटैक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा अभी तक फंसा हुआ था। ग्योको को उसे तड़पते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो बताता है कि इससे उसकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्योको कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा टॉलरेंस पावर चेक करना है लेकिन इस सबसे पहले मुझे दूसरे घर के अंदर कुछ चेक करना है।
आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? इस सब के चलते वो फिर से अपने पॉट के अंदर घुस जाता है। मोइचिरो ऐसा होते देख काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही वार करने की हिम्मत बची थी और वो यहाँ पर मिस्ट ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करने लगता है, लेकिन उस अटैक को करने के साथ भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। वो यही सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर इसे अपने थ्रस्ट टेक्निक की मदद से भी नहीं तोड़ पाया। मोइचिरो को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ शायद उसकी खराब तलवार की वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर मरने वाला था और वो अब अपने मास्टर को याद करने लगता है। वो यही सोच रहा था कि मास्टर को अब नए दो हाशिरास ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अब अचानक से मोइचिरो को यहाँ पर तांजिरो की आवाज आने लगती है और वो अपने सामने तांजिरो का एक इल्यूजन देखता है। तांजिरो मोइचिरो से कहने लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मोइचिरो घबराने लगता है क्योंकि तांजिरो ने तो ये बात उससे कभी नहीं कही थी। और दूसरी तरफ कानामोरा यहाँ पर ग्योको को उस घर के अंदर घुसने से रोक रहा था और ग्योको यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? अब जैसे ही कानामोरा उस पर अटैक करने वाला होता है, ग्योको ही उस पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। ग्योको अब कानामोरा से पूछने लगता है कि आखिर तुम इस बेकार से घर को क्यों बचाना चाहते हो? मुझे लगता है कि विलेज का चीफ यहीं पर मौजूद है। लेकिन इस जगह पर हजेनेजुको तांजिरो की तलवार पॉलिश कर रहा था और अब तो ग्योको की नज़र भी उस पर पड़ जाती है, लेकिन वो उसे काफी ज्यादा यंग लगने लगता है। ग्योको उसे पीछे से आवाज देने लगता है, लेकिन हजेनेजुको तो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इस तलवार को किसने बनाया होगा, आखिर उस तलवार बनाने वाले ने अपना नाम इस तलवार पर क्यों नहीं लिखा? इस पूरी तलवार पर तो सिर्फ एक ही लेटर बना हुआ है। हजेनेजुको उस तलवार के अंदर पूरी तरह से खो चुका था और ग्योको का यहाँ पर सिर गर्म होने लगता है। ग्योको इस बात से गुस्सा था कि ये आदमी तो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है और इसे तो मेरी प्रेजेंस का एहसास ही नहीं है। हजेनेजुको कहने लगता है कि मैं तो अब कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, और अब गुस्से में आकर ग्योको हजेनेजुको पर अटैक कर देता है। लेकिन इस सब के चलते भी हजेनेजुको की कंसंट्रेशन नहीं टूटती और ग्योको फिर से गुस्से में आकर उस पर कई सारे वार करता है। ग्योको को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अचानक से हजेनेजुको को समझ आ जाता है कि उस तलवार बनाने वाले ने इस तलवार पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने इस तलवार को सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया था और कंसंट्रेशन का उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था और इसीलिए उसने इसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द लिखा। ग्योको हजेनेजुको की इग्नोरेंस को अपने ईगो पर ले चुका था। वो कहने लगता है कि मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं तो इसकी सिर्फ कंसंट्रेशन तोड़ना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मोइचिरो यहाँ पर मरने वाला था, जिसके सामने तांजिरो की एक परछाई खड़ी थी और वो परछाई मोइचिरो से कहने लगती है कि अपना फ्यूचर इतनी जल्दी डिसाइड मत करो। मोइचिरो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तांजिरो की परछाई उससे कहने लगती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। मोइचिरो मन में सोचने लगता है किसी की उम्मीद रखना तो काफी ज्यादा बेकार चीज है, लेकिन तांजिरो की परछाई उससे कहने लगती है कि अकेले में इंसान काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन साथ मिलकर वो काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मोइचिरो कहने लगता है कि उसे सबसे पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। उसे लग रहा था कि वो एक हाशिरा है जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया और इसीलिए उसने अपनी ताकत को काफी ज्यादा समझा, लेकिन तांजिरो कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मोइचिरो कहने लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। और अचानक से यहाँ पर एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। इस बार कोतेत्सु मोइचिरो की मदद करने के लिए आ चुका था। कोतेत्सु कहने लगता है कि मैं किसी भी कीमत पर आपको इस जगह से बाहर निकाल कर रहूंगा। कोतेत्सु को ये पूरी चीज एकदम जली जैसी लग रही थी। मोइचिरो कहने लगता है अगर मैं इसे नहीं तोड़ पाया तो तुम इसे कैसे तोड़ पाओगे? तुम्हें अभी किसी और चीज के बारे में चिंता करनी चाहिए बच्चे। मोइचिरो यही कह रहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा तलवारों को इकट्ठा करके यहाँ से बचकर निकल सकते हो बच्चे। अब उस जगह पर एक झींगे जैसा छोटा सा डीमन आ जाता है और मोइचिरो कोतेत्सु को अपने पीछे देखने को कहने लगता है और अचानक से वो डीमन कोतेत्सु के पेट में अटैक कर देता है। मोइचिरो उसे वहां से भाग जाने को कहने लगता है, लेकिन उस डीमन का वार काफी ज्यादा खतरनाक था। मोइचिरो को यहाँ पर लगने लगता है कि उस डीमन ने कोतेत्सु के सबसे कमजोर जगह पर अटैक किया है, लेकिन फिर भी कोतेत्सु उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मोइचिरो फिर से उसे वहां से भाग जाने को कहने लगता है, लेकिन कोतेत्सु उस जली जैसी चीज के अंदर एयर बबल्स को ट्रांसफर करने लगता है। और अब अचानक से मोइचिरो को वही बात याद आ जाती है जो कि तांजिरो ने उससे पहले कही थी, जो दूसरों की मदद करता है उसकी बाद में आगे चलकर भी मदद हो जाती है।
तांजीरो सपने से गायब हो जाता है और वहाँ पर एक नया अजनबी खड़ा था और वो मुइचिरो से कहने लगता है कि इंसान अगर किसी को बचाना चाहे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अब मुइचिरो यहाँ पर मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म यूज़ करने लगता है और वार करने के साथ ही वो उस बबल को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और मुइचिरो को अचानक से याद आता है कि उसके फादर की ही तरह तांजीरो की आँखें भी लाल है। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों का इस एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है ये कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी टाइप का कंटेंट देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं ऐसी ही किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।